हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, मीन्स जेपी पावर शेयर। इस शेयर से रिलेटेड एक न्यू अपडेट है जो आपके साथ शेयर करूंगी। करंट प्राइस है 6.25, लास्ट सेशन में पॉइंट डाउन टर्न दिया है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है शेयर में, शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस। सो आपको पता है इनका एक थर्मल पावर प्लांट 500 मेगावाट का भी है, उससे रिलेटेड भी एक गुड न्यूज़ है। करंट प्राइस जो इनका 6.25 चल रहा है, बट ऑल टाइम हाई फ्रेंड्स इनका 130 रुपीज़ है। वॉल्यूम 5 करोड़ स्टेबल है, डेली 5 करोड़ अराउंड वॉल्यूम है फ्रेंड्स इस शेयर में, तो जो बहुत ही अच्छा। FII ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में। FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है तो डेफिनेटली वो इसमें कुछ पोटेंशियल देखते हैं। 52 वीक लो इज 2 रुपीज़ के नियर बाय, हाई इज 11 रुपीज़ के आसपास। कोल से, थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, बट नियर फ्यूचर ये भी मूव करेगी फ्रेंड्स रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि सारी पावर सेक्टर्स की कंपनीज फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें रिन्यूएबल एनर्जी से। वॉल्यूम बहुत अच्छा है शेयर में, मार्केट कैप इसका 4000 करोड़ समथिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेके अपडेट है फ्रेंड्स, जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज हो चुका है, सो वही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। बट पावर सेक्टर के जितने भी पैनी स्टॉक्स हैं, ये आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देंगे, बिकॉज सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है सारी पावर सेक्टर्स की कंपनीज को। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, बिकॉज एंड में मैं आपको एक शॉर्ट टर्म टारगेट भी डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाली हूँ। यहाँ वॉल्यूम देखिए, आपको 5 करोड़ का वॉल्यूम ऑन डेली बेसिस दिखेगा। सो अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, उसे डिस्कस करते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ आई गेस वेबसाइट पे तो अपडेट नहीं हुए, तो प्रमोटर होल्डिंग फ्रेंड्स 24% है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। लास्ट क्वार्टर में भी 24% थे। मेन चेंज आए हैं FII में। पहले FII के लास्ट क्वार्टर में थी 1.20 और अब बढ़कर हो गई है 2.83%। तो फ्रेंड्स, FII की आप देख लीजिए, यहाँ पे अभी 1.2%, ये लास्ट क्वार्टर का है, यही बढ़ के हो गया है 2.83%, जो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। DII की सेम है 23.12%। तो FII ने जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है। यहाँ पे अभी थोड़े दिनों में अपडेट हो जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए FII की होल्डिंग अब हो गई 2.83%। शॉर्ट टर्म टारगेट आप 7 रुपीज़ का कंसीडर करके चलिए, लॉन्ग टर्म टारगेट इसका काफ़ी ऊपर है। सो कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा डेफिनेटली बताऊंगी।